जहरीली शराब पीने से दो की मौत, खुशियां मातम में बदली। जनपद संभल के गुन्नौर थाना धनारी क्षेत्र के गांव नगला चतुर्भानपुर में रविवार की देर रात 12 बजे के आसपास शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से दो की मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। धनारी के गाँव नगला चतुर्भानपुर में रविवार की रात्रि कल्याण सिंह की बेटी की शादी थी। शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेहमान आए हुए थे। नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस ने की कार्यवाही। सब इंस्पेक्टर जियाराम, टीम सिपाही जगमोहन, मुकेश कुमार, हीरालाल, मीना ने की कार्यवाही। धनारी के गांव नगला चतुर्भानपुर में रविवार की रात्रि कल्याण सिंह की बेटी की शादी थी। शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेहमान आए हुए थे। कोतवाली गुन्नौर के गांव सैमला निवासी तौकी पुत्र भारत की शादी में सम्मिलित होने के लिए आया था। शादी समारोह की खुशी में कल्याण सिंह का चचेरा भाई उरमान पुत्र इंद्र सिंह व तौकी पुत्र भारत ने गांव में कहीं से जहरीली शराब खरीद कर पी ली। शराब खरीदते ही तौकी व उरमान की हालत बिगड़ने लगी। जब तक परिजन उन्हें उपचार के लिए कहीं बाहर ले जाते, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मौके से ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रधान जी, आज ये आपके गांव में दो लोगों की मौत हुई है, वो कैसे, क्या मामला है? ये मेरी जानकारी में शराब के कारण हुई है, विषैली शराब के कारण। अच्छा, कितने, दो लोग मरे हैं? दो लोग मरे। अच्छा, कहाँ कहाँ के थे ये? एक तो हमारे गांव के थे, उरमान पुत्र इंद्र। अच्छा, दूसरे? दूसरे कोई रिश्तेदार थे। अच्छा, ये किस फंक्शन में आए थे? कल्याण सिंह की लड़की की शादी थी। धनारी थाना क्षेत्र के नगला चतुर्भानपुर में कल्याण हैं व्यक्ति जिनके घर पे शादी समारोह था। वहाँ पे बहुत सारे उनके रिश्तेदार आमंत्रित थे और वो आपस में खाना पीना कर रहे थे। इसी बीच में दो व्यक्ति जो तौकी और उरमाल हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई रात्रि में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कई सारे लोग शराब पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे, जिसमें केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था और इनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी इनकी सारी जांच की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नहीं निकल के आया है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई हो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि मृत्यु का कारण क्या था और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी कई सारे लोग, इनके कई सारे रिश्तेदार जो वहाँ पे इकट्ठे थे, वो सारे लोग खाना पीना कर रहे थे और केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और इन सभी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी भेज दी गई है और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं, फूड के और अदर साक्ष्य, उन सबको कब्जे में लेकर के मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया है। उसके आधार पर जो भी रिजल्ट आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।